हिंडन की बाढ़ में डूबी 350 कारों का जो तस्वीर वायरल हुआ उसका सच अब देश दुनिया के सामने आ चुका है। यह तस्वीर सेक्टर 142 के पुराने सूतियाना गांव की है। पानी में डूबी कारें ओला कैब कंपनी की है। जानकारी के मुताबिक ओला कंपनी की गाड़ियां कभी कैब के तौर पर चलती थी, मगर इनके ड्राइवर समय से किस्त नहीं चुका पाए, जिसके बाद कंपनी ने किस्त नहीं चुकाने वालों की गाड़ियां वापस ले ली और इसे हिंडन नदी के किनारे एक फॉर्म में रखा गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना के दौरान सूतियाना गांव में पार्किंग शुरू हुई, इसके बाद से ही कंपनी की ओर से गाड़ियां यहां रखी जाती रहीं। इसकी देखरेख के लिए कंपनी ने एक आदमी दिनेश यादव को तैनात कर दिया था। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 3 थाना प्रभारी का कहना है कि पानी में डूबी गाड़ियां अभी हटाई नहीं गई हैं। कंपनी को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। अब कंपनी की ओर से बाढ़ में डूबी कैब हटाई जाएगी। इस मामले में अभी कंपनी की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा इलाके में बुधवार को भी भारी बारिश हुई। इलाके में ज्यादातर जगहों पर पानी भरा है। सूरजपुर से ग्रेटर नोएडा जाने वाली सड़कों पर जलभराव के कारण जाम लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट।